किंगस्टन यूवी 400, जिनका कहना है ये 7200 आरपीएम वाले हार्डिक से 10 गुना ज्यादा तेज है, क्या सच में इतना स्पीड है? तो आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किंगस्टन यूवी 400 120GB SSD की, और साथ ही साथ ये हम आपको बताएंगे इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, प्रोस और कॉन्स क्या क्या है, कुछ बेंचमार्क देखेंगे, और ये SSD किन लोग को लेना चाहिए और किन लोग को इग्नोर कर देना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं TS और आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट चैनल, जहां हम बातें करते हैं PC और PC के रिलेटेड टेक्निकल चीजों के बारे में। अगर आपको भी इंटरेस्ट हो PC और PC टेक्नोलॉजी में तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर ले। जिन लोग को नहीं पता SSD क्या है उनको मैं बता दूं, हार्ड डिस्क पुराने जमाने की एक DVD प्लेयर जैसा होता है जो काफी स्लो काम करता है, और SSD पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड जैसी एक फ्लैश ड्राइव होती है जो हार्ड डिस्क से काफी ज्यादा स्पीड से काम करता है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट की अगर बात करें तो किंगस्टन काफी सारे प्रोडक्ट में है, जैसे कि रैम, USB ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लैश कार्ड, मेमोरी कार्ड, और यह सर्वर लेवल प्रोडक्ट भी बनाता है। खास करके इंडिया में किंगस्टन पेन ड्राइव और SSD के लिए काफी फेमस है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन की। किंगस्टन यूवी 400 120GB एक बजट SSD है जो बनाया गया है एंट्री लेवल PC बिल्ड के लिए। 120GB की कैपेसिटी है और यूज करने के लिए 111GB मिल जाता है। SSD की साइज की अगर बात करें तो यह 2.5 इंच का है, SATA इंटरफेस में अवेलेबल है। अगर आप इसे लैपटॉप में भी यूज करना चाहे तो इजीली यूज कर सकते हैं। मदरबोर्ड सपोर्ट की बात करें तो यह SATA 2.0 और SATA 3.0 सपोर्ट करता है, जो कि आज के डेट में सभी मदरबोर्ड में अवेलेबल है। अगर आप SATA 3.0 यूज करते हैं तो आपको इसका ओवरऑल स्पीड और परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं SSD कंट्रोलर की। SSD कंट्रोलर के नाम पे यहाँ यूज किया गया है मार्बल कंट्रोलर की। मार्बल कंट्रोलर 4 चैनल में काम करती है, जैसे कि PC में क्वाड चैनल RAM काम करती है। इसकी वजह से परफॉर्मेंस में एक जंप देखने को मिलता है। डेटा ट्रांसफर स्पीड की अगर बात करें तो यह 6 Mbps की है, लेकिन ये रियल वर्ल्ड लोड पे कितना परफॉर्मेंस करता है वो पता चलेगा बेंचमार्क पे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, SSD कभी CPU और RAM की स्पीड नहीं बढ़ाती है, ये सिर्फ डेटा ट्रांसफर स्पीड को ज्यादा रेस्पॉन्सिव बनाती है। मतलब आपको अगर एक CPU वाला टास्क करने में 1 मिनट लगता है तो SSD यूज करने के बाद भी वो 1 ही मिनट लगेगा, लेकिन आप कोई सॉफ्टवेयर या गेम ओपन करते हैं वो 1 मिनट की जगह 15 से 20 सेकंड के अंदर खुल जाएगा, तो आप समझ सकते हैं। मैंने इस SSD को कंपेयर किया है Seagate 5400 RPM वाले हार्ड डिस्क से, तो अब देख लेते हैं इसका कुछ बेंचमार्क्स।
बेंचमार्क देखने के बाद दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ये SSD का परफॉर्मेंस हार्ड डिस्क से काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 3x। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये कंपैरिजन मैंने 5400 RPM वाले हार्ड डिस्क से किया है, तो यहाँ और ज्यादा परफॉर्मेंस होना चाहिए था। जबकि किंगस्टोन का कहना था कि ये 7200 RPM वाले हार्ड डिस्क से 10 गुना फास्ट है, जबकि यहाँ सिर्फ बूटिंग और रिबूटिंग में हमें 9x देखने को मिला है। बाकी गेम और एप्लीकेशन में 2x और 3x स्पीड से परफॉर्म किया है। फिर भी प्राइस के हिसाब से ये स्पीड काफी अच्छा है। प्रोस की अगर बात करें तो वो है इसका स्पीड। जिस प्राइस से ये SSD मिल रहा है उसके हिसाब से इसका स्पीड काफी अच्छा है। दूसरा है इसका लुक, मेटालिक प्रिंट लुक है। अगर आप इसे टेम्पर ग्लास केस के साथ शो ऑफ करना चाहे तो आप कर सकते हैं। कॉन्स की अगर बात करें तो कंपनी कहती है ये 7200 RPM वाले हार्ड डिस्क से 10 गुना फास्ट है, पर ये इतना है नहीं, ये सिर्फ मार्केटिंग और प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए है। अब बात करते हैं मेरी एक्सपीरियंस की। मैं जब भी गेम प्ले करता था तो कभी कभी मेरे गेम लैग कर जाता था, जबकि मेरा CPU और RAM 50% यूज पे रहता था। जब मैंने टेक्स्ट बार ओपन करके चेक करता था तब हार्ड ड्राइव 100% यूज पे रन होता था, इसलिए गेम लैग हो रहा था। SSD लगाने के बाद ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया और बूट टाइम में भी काफी अच्छा परफॉर्म देखने को मिला। अब बात करते हैं ये किन लोग को लेना चाहिए। अब आज की डेट में एक बजट PC बिल्ड कर रहे हैं तो ये SSD आपके लिए है। दूसरी बात, आप अपने PC और लैपटॉप को थोड़ा सा बूस्ट करना चाहते हो तो ये SSD आप ले सकते हो। तीसरी बात, आपने कभी SSD यूज नहीं किया है और फर्स्ट टाइम आप SSD की एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो ये SSD आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। अब बात करते हैं ये SSD किन लोग को नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को SSD के मामले में चाहिए बेहतरीन एक्सपीरियंस तो ये SSD उन लोग के लिए नहीं है। आप सैमसंग की ईवो सीरीज बाय कर लो, M.2 इंटरफेस वाला, वो आपके लिए सही रहेगा। अगर आपका काम बहुत ही बेसिक है जैसे कि MS Office वर्क, म्यूजिक और मूवीज, इंटरनेट ब्राउजिंग, तो आप हार्ड डिस्क ही यूज करें, SSD लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका PC बहुत पुराना है जैसे कि इंटेल 945 और 775 सॉकेट मदरबोर्ड, तो आप ये SSD यूज ना करें, क्योंकि वो PC ही इतना लो एंड है कि SSD रिप्लेस करने के बाद आपको SSD का पूरा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।